शहर में यदि आप ट्रैफिक नियमों का पालन कर गाड़ी चला रहे हैं तो कभी भी आपको ट्रैफिक पुलिस का जवान रोक लेगा। चौकी मत, जवान आपका चालान नहीं काटेगा बल्कि आपको एक पॉजिटिव कार्ड देगा। इसमें या तो पिज्जा या बर्गर या फिर शहर के कई स्वादिष्ट व्यंजन मुफ्त में खाने को मिलेंगे। शहर में ट्रैफिक पुलिस जल्द ही ये नया प्रयोग शुरू करने वाली है। इसमें खास फोकस होंगे युवा। ट्रैफिक सुधार की दिशा में युवाओं को आगे लाने के लिए प्लानिंग एडीजी वरुण कपूर ने की है। पुलिस की इस नई पहल की शुरुआत शहर में जल्द होने वाली है। अब ट्रैफिक पुलिस सिर्फ नियम तोड़ने वालों के चालान नहीं काटेगी बल्कि नियम का पालन करने वालों के गिफ्ट कूपन भी देगी। वैसे इस व्यवस्था को एडीजी ने पॉजिटिव टिकटिंग नाम दिया है। अब तक शहर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो लोग रोजाना ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं ऐसे जागरूक लोगों को ट्रैफिक पुलिस अपनी इस व्यवस्था से जोड़कर 6 महीने में एक विशेष कार्यक्रम कर सम्मानित भी करेगी। जो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव टिकट हासिल करेगा या अपने साथ लोगों को जागरूक करेगा उसका पुलिस के आला अधिकारी सम्मान करेंगे। तो ट्रैफिक एजुकेशन पे जो काम करना जरूरी है, इसके लिए ये निर्णय है कि जो संस्थाएं हैं इस शहर में, जो लोग हैं, जो जागरूक नागरिक हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस क्षेत्र में योजना लाके और काम करना चाहें लोगों की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, तो वो ऐसी योजना अपना प्रपोजल हमें दें। यदि उचित है तो हम उसे लागू करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे वही जो ये संस्था हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उनके साथ इंदौर ट्रैफिक पुलिस और इंदौर पुलिस का सहयोग रहेगा ताकि व्यवस्था में सुधार आए। तो उसी के तहत ये एक योजना एक संस्था ने हमें दी है और उसको भी हम शीघ्र लागू करेंगे क्योंकि इसके परिणाम ऐसी अपेक्षा है कि अच्छे होंगे। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कुछ बड़ी फूड कंपनियां पुलिस से जुड़ गई है। ये शहर में ट्रैफिक नियमों का पालन करने वालों को अपने यहाँ खाने के फ्री कूपन दिए जाएंगे।